हेलो फ्रेंड्स वेलकम इन पुष्पा ट्यूटोरियल टुडे वी आर लर्न द चैप्टर नंबर टू गो एंड कम ऑफ स्टैंडर्ड थर्ड इंग्लिश बाल भारती मराठी इंग्लिश मीडियम एंड मराठी मीडियम ऑल्सो यू कैन लर्न एंड लिसन द स्टोरी विच इज गिवन इन अवर टेक्सट बुक ओके सो लेट अस स्टार्ट टू अवर लेसन दैट इज गो एंड कम देखो बच्चों गो गो मतलब क्या है जाना

Who live in a pretty little ki मतलब की एकदा एक समय में क्या क्या था एक लिटल बॉय था एक छोटा सा बच्चा था केवल आपकी तरह ही था आठ आठ नौ साल का बच्चा था वो बच्चा क्या करता था लिव इन little कॉटेज वो एक छोटे से सुंदर से कॉटेज में रहता था देयर वॉज अ लवली गार्डन अराउंड अटेज उस कॉटेज के अराउंड लवली गार्डन था कौन था एक लवली गार्डन मतलब एक सुंदर सा बाग था बगीचा था डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट ग्रो इन द गार्डन उस गार एंड सो देयर वॉज अ लॉट ऑफ वर्क टू डू देअर मतलब वहाँ पे बहुत सारे प्लांट होने के कारण वहाँ पे बहुत सारा काम था द प्लांट्स हैड टू बी वाटर एवरी डे मतलब उस प्लांट को हर दिन वॉटरिंग करना पड़ता था पानी डालना पड़ता था दे हैड टू बी गिवन मैन्योअर फ्रॉम टाइम टू टाइम उसको मैन्योरिंग भी मतलब खत वगैरह जो है रहता है जो प्लांट को बढ़ने के लिए बहुत आवश्यक रहता है वो भी टाइम टू टाइम डालना पड़ता था दे हैड टू बी कट एंड एट द टाइम राइट टाइम उसको कटिंग भी राइट टाइम करनी पड़ती थी द गार्डन नीडेड वीडिंग एंड क्लीनिंग और उसको हर दिन वीडिंग और क्लीनिंग की भी जरूरत थी एवरीबडी इन द लिटल बॉयज फैमिली हेल्प टू टेक केयर ऑफ द गार्डन और इसीलिए उस छोटे बच्चे के फैमिली का हर एक मेंबर क्या करता था उस गार्डन की केयर करने के लिए मदद करता था The boy had a little strict uncle who came to stay with them for a few days. देखो एक दिन क्या हुआ उस बच्चे के घर में एक वेरी स्ट्रिक्ट अंकल आए जो बहुत शिस्त प्रिय थे उन्हें डिसिप्लिन बहुत पसंद था तो वो अंकल उन्हें उनके घर में कुछ दिन रहने के लिए आए द अंकल बिलीव इन हार्ड वर्क और उस अंकल को हार्ड वर्किंग मेहनत परिश्रम कष्ट बहुत पसंद थे एंड डिसिप्लिन और उस उनको डिसिप्लिन भी बहुत पसंद थी वन डे ही सॉ देट द बॉय वॉज प्लेइंग अराउंड इन द गार्ड इन द हाउस देखो वन डे एक दिन क्या हुआ ही उन्होंने देखा दैट द बॉय प्लेइंग अराउंड इन द हाउस ये जो जो बच्चा है कि जो घर के आजू बाजू में खेल रहा है लिटिल बॉय सेड द अंकल अंकल ने बोला छोटे बच्चे इधर आओ यू वुड बी फार बेटर एट वर्क यूर गार्डन नीड्स वीडिंग सैडली गो नाउ एंड वीड इट लाइक अ गुड चाइल्ड उन्होंने उस बच्चे को बुलाया और बोला कि देखो बच्चा यहाँ पे बहुत सारी साफ सफाई करने की जरूरत है तो अभी तुम क्या करो खेलना बंद करो और अच्छे बच्चे की तरह वीडिंग के काम में लगो बट द लिटल बॉय डिड नॉट फील लाइक वीडिंग दैट डे परंतु उस छोटे बच्चे को वीडिंग नहीं करनी थी आई डू इट ही नहीं करूंगा मैं वीडिंग नहीं करूंगा ओ यस यू कैन सेड द अंकल अंकल बोले नहीं तुम्हें करना ही है और तू करेगा ही वेल आई डोंट वॉन्ट टू नॉट जस्ट नाउ द लिटल बॉय लिटल बॉय बोला नहीं मैं अभी नहीं करूंगा मुझे नहीं करना है बट यू मस्ट सेट द अंकल अंकल बोलने लगे नहीं तुम्हें करना ही है डोंट बी नोटी ऐसा नोटी बच्चे की तरह मत करो नोटी बच्चा मत बनो बट गो एट वंस एंड डू यूर वर्क अभी तू बगीचे में जा गार्डन में जा और अपना काम करना चालू कर दिस इज एन ऑर्डर गेट अप एंड गो ये मेरी आपको आज्ञा है चलो उठो और जाओ बगीचे में और वीडिंग चालू करो अंकल हार्ड वर्किंग हार्ड वर्किंग मैन था बहुत कष्ट करने वाले आदमी थे ही वेंट अवे टू कैरी ऑन हिज वर्क ओन वर्क इन अनदर रूम और वो अपना दूसरा काम करने के लिए दूसरे रूम में चले गए बट अ लिटल बॉय सेट स्टील परंतु वो छोटा बच्चा एकदम दुखी बनकर वहीं पे बैठा रहा He felt that his uncle was being unfair, उसे ऐसा लग रहा था कि उसका ये जो अंकल है उसके ऊपर अन्याय कर रहा in his throat and his eyes welled up. उसका क, उसके आँखों में से पानी आने लगा उसके जो गाल है उसके ऊपर आंसू आने लगे और उसको बहुत जोर से रोना आने लगा जस्ट देन हिज मदर वॉक इन और उसी समय उस बच्चे की मम्मी वहाँ पे आई वॉट्स द मैटर लिटल बॉय आस्क उसने अपने बच्चे को एकदम लाड से प्यार से पूछा बच्चा क्या हुआ डू यू लुक सो अनहैप्पी आप इतने अनहैप्पी क्यों है इतने दुखी क्यों हो अंकल टोल्ड मी टू वीड द गार्डन से दिटल बॉय लिटल बॉय बोला कि मुझे अंकल ने अपने गार्डन को वीडिंग करने के लिए बोला है उससे द मदर ओ ऐसी बात है क्या मम्मी बोली फन दैट विल बी अरे ये तो कितनी गमती से काम आई लव टू वीड मुझे वीडिंग करना बहुत अच्छा लगता है एंड इट इज सच अ फाइन डे और ये वीडिंग करना मतलब सबसे अच्छा दिन है आज का कैन आई कम एंड हेल्प यू टू वीड क्या मैं आपके साथ आ सकती हूँ और आपको वीडिंग के लिए मदद कर सकती हूँ मम्मी ने अपने बच्चे से पूछा वाय ये सेड द बॉय क्यों आओ ना मम्मी ठीक है चलेगा बॉय बच्चा बोला कम लेट्स डू इट नाउ सेड ही मदर उसकी मम्मी बोली चलो फिर हम पहले इसे यहां से स्टार्ट करते हैं द बॉय गॉट अप रेडी अभी वो बच्चा एकदम विडिंग के लिए तैयार होके खड़ा हो गया एंड वेंट आउट साइड विद मदर और अपने मम्मी के साथ गार्डन में चला गया द टू ऑफ दे गार्डन ब्यूटिफुली एंड हैड वेरी गुड टाइम टूगेदर वर्किंग एंड चैटिंग एंड लाफिंग अभी ये दोनों मम्मी और बच्चा ये दोनों भी गार्डन में चले गए और उन दोनों ने भी गार्डन को एकदम अच्छी तरह से साफ किया और अच्छी तरह से वीडिंग करके एक साथ चैटिंग की एक साथ हंसे मजा किया मजाक किया और काम भी किया और इस तरह बड़े आनंद से उन्होंने वो दिन बिता दिया तो इस तरह ये एक स्टोरी है जो हमारे इंग्लिश बाल भारती थर्ड स्टैंडर्ड में दी हुई है जिसका नाम है गो एंड कम ये अभी हमारी स्टोरी ख़त्म हुई है तो देखो बच्चे हमें भी अपने गार्डन में या आजू बाजू में जो भी हमारे प्लांट है उनका ख्याल रखना है वहाँ पे अगर कुछ कूड़ा कचरा जमा है तो उसको साफ करना है उसको हमें टाइम टू टाइम वाटरिंग करनी है मैनोरिंग करनी है तो इससे हम हैप्पी भी होते हैं और हमारा समय भी निकल आ जाता है देखो अभी यहाँ पे कुछ आ, मीनिंग वर्ड्स दिए हुए हैं, उसे हम समझते हैं कॉटेज कॉटेज मीन्स ए स्मॉल सिंपल हाउस एक छोटा सा साधा हाउस वो यूजली सी कॉटेज इन द रूरल एरिया जो ग्रामीण भाग रहता है गांव का एरिया रहता है उस गांव के एरिया में हमें इस तरह के छोटे कॉटेज या झोपड़ी टाइप कुछ घर दिखाई देते हैं मैन्यूर मैन्यूअर मीन्स ए मटेरियल मिक्स विथ सॉइल टू हेल्प प्लांट्स ग्रो मतलब कि प्लांट को बढ़ने के लिए पेड़ को बढ़ने के लिए जो मटेरियल सॉइल के अंदर मीन्स मिट्टी के अंदर मिक्स किया जाता है उसे मैन्यूअर बोला जाता है प्र्यून मीन्स रिम्यूव डेड एंड अनवॉन्टेड प्लांट्स ऑफ़ द पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स टू हेल्प देम ग्रो मतलब कि जो प्लांट के कुछ पार्ट है कि जो डेड हुए हैं सूखे हुए हैं उन्हें हमें वहाँ से निकालना है निकालना है और उस पेड़ को भर भरने के लिए मदद करनी है वीडिंग अभी वीडिंग मीन्स वॉट द रिमूविंग ट्रबल सम अनवॉन्टेड प्लांट्स फ्राम अ फील्ड और गार्डन मतलब हमारे गार्डन में जो अनवांटेड प्लांट्स बड़े हैं उसे हमें निकालना है ताकि हमारे जो वांटेड मतलब हमें जो प्लांट चाहिए वो अच्छे से बढ़ सके उसके बाद सैडली सैडली मीन्स बैडली वेरी मच मतलब कि खूब दुखी रहना अनहैप्पी रहना वेलअप मीन्स फिल्ड विथ वाटर हमारे आंखें आंसू से भरना उसे बोला जाता है वेल well अप तो यह है मीनिंग वर्ड्स देट आर मेन्शन इन दिस story. ओके okay? सो so, मुझे लगता है कि आपको ये स्टोरी अच्छी तरह से समझ रही रहेगी और आ, इसी कारण आ, आप इसी तरह के और अलग अलग लेसन और पोएम देखने के लिए चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना है क्योंकि चैनल सब्सक्राइब करने के बाद ही आपको जो सारी स्टोरीज़ है लेसन है वो सुनने को मिलेंगे देखने को मिलेंगे और समझने को मिलेंगे सो बाय बाय बच्चों टेक केयर